गोर्खाहरूको पक्ष राख्न भारत जोडो न्याय यात्रामा अंशग्रहण गर्न अजय डुवर्स इम्फाल प्रस्थान। भारत जोडो न्याय यात्रामा अंशग्रहण गर्न हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय डुवर्स इम्फाल पुगेका छन्। कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले आजबाट मणिपुर राज्यको राजधानी इम्फालदेखि भारत जोडो न्याय यात्रा सुरु गर्ने भएको छ। कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीको भारत जोडो न्याय यात्रामा अंशग्रहण गर्न हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय डुवर्स शनिबार बिहान इम्फाल प्रस्थान गरेका हुन्। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय डुवर्सले दार्जिलिङदेखि 969 किलोमिटरको लामो यात्रा गर्दै इम्फाल पुगेर आइतबारदेखि सुरु हुने भारत जोडो न्याय यात्रामा अंशग्रहण गर्ने भएका छन्। दार्जिलिंग से आज इम्फाल रवाना हो रहा है। नियरली 1000 किलोमीटर्स हम लोग जा रहे हैं और क्या चीज़ का ले जा रहा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये पॉलिटिकल एक पार्टी ने इनिशिएट किया, लेकिन वो लोग इनवाइट किया सब आदमी को और सब जाति को जिसको न्याय का ज़रूरत आज भारत में। सो हम लोग गोरखाज कल हम लोग जा रहे हैं। देखिए कल हम बंगाई गांव में था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का हेड ऑफिस। 1993 में बोडोलैंड का पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, उसका बाद 2003 में सिक्स शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन द सैड पार्ट इज डीजीएचसी वॉज इवन बिफोर बीटीसी। बीटीसी तो बाद में हुआ 1993 में, 5 साल आगे 88 में डीजीएचसी अकॉर्ड साइन किया था सुभाष की सिंह का पार्टी जीएनएलएफ कांग्रेस सरकार। और आज बीटीसी में आने समय हम लोग का गोरखा लोग को मन दुखता है क्योंकि बीटीसी सिक्स शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो लोग का जमीन का अधिकार है और फाइनेंस भी लास्ट बजट फाइनेंस में 2200 करोड़ और जो डीजीएचसी जीटीए अभी जीटीए बोलता है वो गोरखा का क्षेत्र में 5 साल बोडोलैंड के आगे से जो इनकॉर्पोरेट हुआ था सिर्फ मिल रहा है 175। ये क्या न्याय है? ये भारत देश में, ये गांधी का देश में जो बीटीसी जो 5 साल नया डीजीएचसी से उसको 2200 करोड़ मिल रहा है, सिक्स शेड्यूल जमीन का मालिकन हक मिल रहा है, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ और गोरखा जाति का ले 175। ये न्याय नहीं है। सो हम लोग का टीम ये कांग्रेस में ज्वाइन किया ये नहीं, ये ओपन क्लैरियन कॉल किया है भारत को। और हम लोग को लगता है कि हम लोग का गोरखा लोग का दार्जिलिंग वासी का असम में बैठने का, बोडोलैंड में बैठने का, मणिपुर में बैठने का, जगह जगह गोरखा लोग का न्याय के लिए हम लोग का टोली आज इम्फाल मणिपुर जा रहा है। आप लोग को शुभ संदेश कि गोरखा लोग को आने समय न्याय जरूर मिलेगा बोल के। जय हिंद, जय गोरखा। थैंक यू।